कैपिटल स्मार्टी का मोस्ट डिजायर्ड कमर्शियल आने वाले दिनों में चार मरला आठ मरला की कैटेगरीज को लेके कौन सा होगा अभी मैं राइट नाउ लेक व्यू कमर्शियल में मौजूद हूँ जिसको कैपिटल स्मार्टी ने काफ़ी लेटेस्ट भी लॉन्च किया ड्यू टू इट्स लोकेशन ड्यू टू इट्स डिवेलपमेंट स्टेटस कि इसको डिवेलप दो, दो, दो महीने के अंदर कर दिया गया था और इसकी लोकेशन कितनी प्राइम बनती है इस वीडियो में आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा राइट नाउ मैं कमर्शियल प्लाट्स की जो पार्किंग है उसमें मौजूद हूँ और मेरे राइट साइड पर ये सारे कमर्शियल प्लाट्स हैं कि बैक साइड पर लेक है और इनके इस तरफ जो है आपके मेन गोल्फ कोर्स आता है लेकिन मैं आपको मेन नेटिग्रिटीज और डिटेल इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ फर्स्ट ऑफ़ ऑल हर एक प्लॉट के सामने ये आपको जो 18 फीट की एक साइड पे, फिर 24 फीट की ये रोड और फिर 28 फीट की सॉरी और फिर ये 18 फीट की आपको मेन पार्किंग मिल जाती है अब इस पार्किंग के साथ लेफ्ट साइड पे इस तरफ ये सर्विस रोड है और सर्विस ये सारी वो जो ड्रेनेज किनार है सर्विस रोड है और सर्विस रोड के साथ पीछे आपके वन एटी की मेन दोबारा दूसरी दो रोड है मैं वो दिखा ये दोबारा फिर सर्विस रोड आ गई ये फिर आगे इसकी मेन सामने सिक्स लेन की रोड जिसे मेन रोड कहते हैं वन एटी वाइड ये एक्सेस वन रोड भी है और ये आगे जाके लिंक होती है मोटरवे के साथ भी और चक्री रोड के साथ भी और ये अच्छा इस रोड के दरमियान एक बीआरटी लेन मौजूद है यानी यहाँ पे मेट्रो के लिए लेन सेपरेटली बनाई गई है ट्रैफिक आपको नजर आ रही है यहाँ पे ये पीछे सारी गोल्फ फोर्स की प्रीमिस हैं यानी कि इधर के जितने इस जगह पे जितने अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे या जो कमर्शल्स बनाए जाएंगे वो फेसिंग गोल्फ कोर्स होंगे इस्लामाबाद रावल के अंदर आई थिंक पाँच गोल्फ कॉर्सेज़ हैं एक पी वाला ई वाला गोल्फ कोर्स है फिर दूसरा यू पार्क वाला गोल्फ कोर्स है तीसरा बनता है आपका बैरिया वाला गोल्फ कोर्स चौथा बनता है आपका मिनी गोल्फ कोर्स फेस फोर वाला आई थिंक यही चार गो एटीन पाँचवां किसी भी जगह पे गोल्फ़ कोर्स के सामने कमर्शियल्स आपको नहीं मिलते माँ सिवाय बैरिया के लेकिन वहाँ भी कमर्शियल्स नहीं हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं और घर हैं मेन कैपिटल स्मार्टी गोल्फ कोर्स के साथ भी यही है लेकिन इसके साथ ही पूरा एक मरक़ दिया गया है यानी कि अगर आप कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि इससे बेटर ऑप्शन आपके पास ट्विन सिटी या मे बी अक्रॉस पाकिस्तान में भी भी ना हो क्योंकि ये एरिया ऐसा है जो हर लिहाज से फेवरेट बनता है सामने से गोल्फ कोर्स लेफ्ट साइड पर ये तीन सौ घर बने हुए हैं गोल्फ कोर्स के साथ ही बिल्कुल जसमिन पाँच मल्ला के मैं आपको उसकी वीडियो दिखा दूँगा बाद में किस दिन और इसके पीछे वो वाटर टैंक मॉस ये सारा कुछ ऑपरेशनल है इसके राइट साइड पर अगर बात करें इस तरफ ये वाला एरिया ये ग्राउंड प्लस फोर्टी के अपार्टमेंट्स के प्लॉट हैं कमर्शियल के साथ और थर्ड साइड आपकी ये ग्वालपुर आ जाती है और बैक साइड पे इसके इसी बिल्डिंग के यानी कमर्शियल प्लॉट्स की बैक साइड पे आपकी लेक है अब सोचें कि लेक भी है आपकी और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो ब्लू कलर का बैशिंग प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये वाला ये टू सेवेंटी फाइव की जो डाउनटाउन लेक बन रही है जिसका नाम होगा फाउंटेन लेक जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेक होगी 275 सेवेंटी फाइव कनाल की इससे पहले पार्क्यू सिटी में लेक बनी है वो 100 कनाल की है ये 275 सेवेंटी फाइव कनाल की होगी ये लेक भी यहाँ बनने जा रही है तो मेरा ख्याल है कि मोस्ट डिजायर्ड मोस्ट प्रीमियम लोकेशन कमर्शियल प्लाट्स को लेके कोई भी साइज़ हो यानी कि इस मार्टी में कल को दस कनाल के कमर्शल भी होंगे लेकिन जाहिर सी बात है कि कमर्शल की वसीनिटी डिसाइड करती है उसकी प्राइस क्या होगी तो ये रीज़न है कि यहाँ पर आपको फ्यूचर में सबसे लग्जरी ब्रांड्स के कमर्शल्स यहाँ पर नज़र आएंगे सबसे अच्छे अपार्टमेंट्स यहाँ पर नज़र आएंगे और सबसे लग्जरी अपार्टमेंट्स भी यहाँ होने की वजह जो है वो फेसिंग गोल्फ कोर्स है गोल्फ कोर्स के अंदर जो है वो पच्चीस कनाल पच्चीस करोड़ का चार किनाला घर होगा और उसके सामने एक करोड़ डेढ़ करोड़ या दो करोड़ के अपार्टमेंट होंगे अगर तो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट वाइज ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है जिन मेंबर्स के पास इतना बजट है वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं आई थिंक कि इट्स अ मस्ट कंसीडर ऑप्शन कि इसको लाजमी कंसीडर करें थैंक यू